नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा एक डीप फ्रीजर, नीचे की तरफ कूलिंग होती है पर अपर की साइड में कूलिंग नहीं होती है, तो इस फ्रिज में क्या ख़राबी हो सकती है और उस फ्रिज में ख़राबी है तो आप कैसे उसे ठीक कर पाएंगे, सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में फ्रीजर है, फ्रिज है, आप स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज जो मैं बताऊँगा हो सकते हैं इससे पहले आपने कभी उस सिम्टम को, उस सिम्बल को नहीं देखा है, जिसकी वजह से आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने पूरा जानकारी देने का कोशिश करूंगा कि एक फ्रीजर अगर नीचे की तरफ कूलिंग होता है पर ऊपर की तरफ कूलिंग नहीं होती है तो उसमें कौन कौन सी आपको साइट चेक करनी है, कौन कौन सी आपको ये कंपोनेंट को ध्यान देने का आवश्यक होती है। फिलहाल देखिए दोस्तों, ये जो फ्रिज है, फ्रिज में से देखिए सफ़ेद धुआं आ रहा है, सफ़ेद स्मोक आ रहा है और देखिए जो नीचे का साइड है, नीचे के साइड में ये बिल्कुल ये बर्फ़ जम चुकी है, कूलिंग इसमें काफ़ी है। और जो ऊपर के साइड होती है, ऊपर के साइड में ना तो उस तरह की कूलिंग है और ना ही इसमें बर्फ़ की चादर है। तो दोस्तों देखिए नीचे की तरफ है बूंद बूंद करके, ये छोटा बड़ा बहुत ही आइस जम चुका है पर ऊपर के साइड में आइस नहीं है। तो दोस्तों ऊपर के साइड में आइस क्यों नहीं है और नीचे के साइड में क्यों इतना आइस है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों देखिए नीचे का जो सामान है, नीचे का जो मीट है, ये मीट ये बिल्कुल ये स्टोन हो चुका है, बिल्कुल ये बर्फ़ जम चुका है। और जो पानी है, पानी देखिए दोस्तों, जो दूध है, दूध का बोतल ये भी पूरी नहीं जमी है, इसमें लिक्विड भी है और साथ में जो दूध का बोतल है, इस बोतल भी पूरी तरह नहीं जमा है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड ये अभी पूरी तरीके से पूरी तरह नहीं मेल्ट हुआ है पर मेल्ट हो चुका है। और दोस्तों कंज्यूमर ने मुझे बताया कि ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर एक दिन ये बहुत ही अच्छा चलता है, एक दिन में या फिर कुछ घंटे में जो बर्फ़ है, बर्फ़ ये पूरी तरह ठीक हो जाता है, जम जाता है और उसके बाद ही ये तुरंत ऑटोमेटिक मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बर्फ़ गलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों देखिए इसे फ्रिज में अभी टेम्परेचर -18 में आ गया है, -18 में टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर डिस्प्ले में दिखा रहा है -18 है। और अगर मैं इसे बढ़ाऊँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, -20 से लेकर 24 तक ये टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं दिखाऊंगा कि ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ आता है कि नहीं और ये ठंड ज़्यादा इंक्रीज होता है कि नहीं। तो फिलहाल देखिए -18 में है, कुछ समय के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो टेम्परेचर कितना तक आता है और कितनी इसमें कूलिंग आती है। तो दोस्तों देखिए ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर 220 से लेकर 240 वोल्ट में ये चलता है और इसका जो हार्ज ये 50 हार्ज है और सिंगल फिच की ये कंप्रेसर है। तो दोस्तों फिलहाल आप देखिए मैंने -18 में सेट किया था, पहले टेम्परेचर जो था -18 में था और अभी देखिए -23 में टेम्परेचर अभी पहुँच चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब है टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर ये ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये जो -18 से लेके जो 23 में आया है तो बेशक इसमें कूलिंग हो रहा है। तो दोस्तों कूलिंग जब होता है तो इसका जो आसपास के सामान है, सामान भी थोड़ा बहुत ठंड होगी, जो बॉडी है, बॉडी में भी थोड़ा बहुत ऐसा आएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो ऊपर की जो बॉडी है, जो पोर्शन है, पोर्शन में छोटे छोटे आइस आ चुका है। अगर आपके घरों में फ्रिज है, अगर आप ऊपर की तरफ इसे हाथ से रगड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे आपको आइस हाथ में महसूस होगा, नज़र आएगा कि ऊपर के पोर्शन में आइस जम चुका है। तो फिलहाल देखिए इस फ्रिज को अपर के साइड में छोटे छोटे बर्फ़ जम चुका है और देखिए ये कूलिंग भी अच्छी हो रही है और -23 में टेम्परेचर आ चुका है। तो कंज्यूमर ने मुझे बताया कि कभी कभी फ्रिज तो काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और कभी कभी ऐसा होती है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ये जो दूध का बोतल है, ये जो फ्रिज है, फ्रिज में से आइस ये ऑटोमेटिकली खुद ही खुद मेल्ट हो जाता है। 1-5 घंटे तक ये फ्रिज ये बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है। अगर इसमें आइस क्यूब रखा जाए
तो भी ये गल के पानी हो जाता है, मेल्ट होकर पानी हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों देखिए, ये जो दूध का बोतल है थोड़ा बहुत इसमें जम चुका है, पहले की स्थिति में भी नहीं है, उससे बेटर स्थिति में अभी आ चुका है। तो दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि इस फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं है, इस फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इस फ्रिज में गैस की कोई कमी है, ना तो इस फ्रिज में गैस चोकिंग हुआ है, ना तो इस फ्रिज में कोई ब्लॉक हुआ है, ना ही कोई और इशू है। तो दोस्तों अगर आप घरों में स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपका वोल्टेज, अगर आपके घर में वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा तो आपको फ्रिज में गड़बड़ी ज़रूर होगी। तो फिलहाल देखिए ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज में वोल्टेज का इशू है, जो कस्टमर के घर में स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में देखिए 233 से 34 वोल्ट आ रहा है, और अभी दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम होने के बाद भी देखिए अभी इतना वोल्टेज होने के बावजूद भी ये कंप्रेसर चल रहा है, और ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो दोस्तों कंप्रेसर जब बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो ऑब्वियसली उसका जो परफॉर्मेंस घट जाएगा, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा। और जो वोल्टेज है अभी दोपहर के टाइम में है 233 वोल्टेज अभी दिख रहा है, और एक मिनट बाद ही जो मैंने वीडियो करने में चूक हो गई कि एक मिनट बाद ही इस स्टेबलाइजर में जो वोल्टेज था, वोल्टेज 240 तक पहुंच गया था। तो दोस्तों जब ये कंप्रेसर 240 तक इसमें लिखा जाता है कि 240 में ऑपरेट करेगा, 240 में ऑपरेट करेगा, फिर भी ये जो कंप्रेसर की स्थिति है, कंप्रेसर बिल्कुल हीट ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर की परफॉर्मेंस बिल्कुल कम जाएगा, कंप्रेसर हीट ऑफ होने की वजह से ये ट्रिप भी कंप्रेसर को करा देगा। तो दोस्तों इस फ्रिज में और कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज का इशू है। अगर इस फ्रिज में या फिर किसी भी घर में वोल्टेज ज़्यादा होती है तो फ्रिज की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे पाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, और ये कंप्रेसर ठीक तरीके से चलना पाने की वजह से कंप्रेसर एक समय जाके ट्रिप करा देगा, और जो फ्रिज में सामान जम चुका था वो भी धीरे धीरे मेल्ट करा देगा। जब तक ये कंप्रेसर ठंड नहीं हो जाता तब तक ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा दोबारा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है, आपके घर में वोल्टेज ज़्यादा है, तो आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करिए, तो दोस्तों आपकी जो सारी प्रॉब्लम ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस फ्रिज में और कोई दिक्कत नहीं है, सक्शन के जो पाइप है, सक्शन के पाइप में बूंद बूंद करके ये पानी जम चुका है, इसमें सक्शन भी रिटर्न आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो और जो दोस्तों मैंने देखा है कि नीचे के साइड में ये प्रॉपर कूलिंग है, ऊपर के साइड में कूलिंग आ रहा है, तो ये बिल्कुल अभी फ्रिज ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों के पास कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो देख के आपके जो फ्रेंड्स है, जो आपके रिलेटिव है, वो भी जान सके, क्योंकि एक फ्रिज अच्छा परफॉर्मेंस तभी देता है जब उसके वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिलता है, तो फ्रिज अच्छे तरीके से चल रहा होता है और अच्छा से काम कर पाता है। तो दोस्तों फिलहाल देखिए इस फ्रिज में सब कुछ ठीक है, इसका वोल्टेज जो है, वोल्टेज हाई होने की वजह से समस्या हुई थी। तो दोस्तों देखिए वोल्टेज अभी कितना है। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।